एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी और ये जो पेडागोजी सीरीज है, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि न केवल DSSBPRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MEd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी भी दूसरे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे KVS NVS EMRS या अगर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पेडागोजी सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सभी जानते हैं हमने ICT का टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और ICT को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग जो कि पहला पार्ट था, मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और अभी इस पार्ट 2 चल रहा है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। और जो पार्ट 2 है कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसमें मैंने यहाँ पर 16 सब टॉपिक्स पहले इंक्लूड किए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने एक और सब टॉपिक को इंक्लूड किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज की ही वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, कौन सा है, नेटवर्किंग डिवाइसेस का। क्योंकि ये जो है, पहले मैं जब सिलेबस आप लोगों का तैयार कर रही थी तो मैं मिस कर गई थी उस टाइम, लेकिन जब मैंने आप लोगों के PYQs देखे, चाहे वो नेट के हो, DSSBPRT के हो या किसी दूसरे टीचिंग एग्जाम के थे, तो उसमें जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने देखे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस का। और अभी हम इंटरनेट नेटवर्किंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स कर रहे थे, ठीक है, तो साथ साथ यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें। देखिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस होते क्या है, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है, कितने तरह का नेटवर्क होता है, जो कि मैं नेटवर्किंग वाली जो वीडियो है उसमें आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप ICT की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो देखिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर टूल्स होते हैं जो किसको फैसिलिटेट करते हैं, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, और जिनके द्वारा डाटा को एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी कि डाटा को सेंड भी किया जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है विद इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो देखिए, ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ये किस तरह से हेल्प करते हैं कनेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, यानी कि इनके थ्रू आप अलग अलग तरह के डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ताकि कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाया जा सके। अब बहुत सारे कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे स्विच, राउटर, हब, मोडम, फायरवेल, रिपीटर, गेटवे, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग आए दिन आप सुनते होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गेटवे की। तो देखिए, गेटवे क्या होता है और गेटवे कैसे काम करता है। गेटवे क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक एंट्री पॉइंट का काम करता है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में। ये फैसिलिटेट करता है, किसको फैसिलिटेट करता है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल की नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और डाटा को ट्रांसफर कर पाए। तो गेटवे को अगर आप साधारण शब्दों में हम बात करें तो जैसे घर में एक मेन गेट होता है, उसकी तरह से आप समझ सकते हैं, जो कि एक एंट्री पॉइंट होता है, उसी के थ्रू व्यक्ति अंदर और बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये सर्वर है, यहाँ से डाटा क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, ये क्या है, ये एक डिवाइस लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, गेटवे, यानी कि इस के थ्रू ही ये डाटा जो है दूसरे डिवाइसेस को ट्रांसफर होगा, यहीं से सेंड और रिसीव होगा, ठीक है। और गेटवे को आप एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं, वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, उनको उनकी भाषा में वो चीज समझा देते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह भी गेटवे को आप समझ सकते हैं, यानी कि जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के हैं, फिर भी उस कम्युनिकेशन को वो संभव बनाने का काम करता है, ठीक है। सो गेटवे क्या होता है, गेटवे एक ऐसा मेथड, एक ऐसा वे, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। और गेटवे ये भी श्योर करता है कि भी जो डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहा है वो बिल्कुल राइट प्लेस पर ही पहुंचे। आई होप कि गेटवे होता क्या है, कैसे काम करता है, आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे हब की। देखिए, हब क्या होता है, हब भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क्स में उससे जो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उन सबको डाटा एक साथ सेंड करता है। एक तरह से लाउड स्पीकर की तरह आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि जैसे ये क्या है, ये हब है। अब इससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ABCD, तो जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट है उन सबको एक साथ डाटा ट्रांसमिट करता है।
जैसे लाउड स्पीकर के थ्रू क्या होता है, मान लीजिए कोई कॉलोनी है उसमें जब सुबह सुबह मंदिर में भजन कीर्तन लगाया जाता है तो कुछ लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो सबको ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, यानी कि भजन सबको सुनाई दे रहा है। तो इसी तरह से जो है आप सबको समझ सकते हैं एक लाउड स्पीकर की तरह, यानी कि मान लीजिए ये जो बी डिवाइस है इसको भाई डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये हब क्या करेगा, ए बी सी डी चारों को एक साथ डाटा ट्रांसमिट करेगा, चाहे किसी नेटवर्क डिवाइस को उसकी डाटा की जरूरत हो या ना हो, लेकिन वो सभी को डाटा ट्रांसफर एक साथ करता है। इसके बाद बात करेंगे स्विच की। तो देखिए स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है, स्विच क्या होता है, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क्स में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। मल्टीपल डिवाइसेस का मतलब कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, कुछ भी हो सकता है। हब और स्विच का अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करें तो हब क्या है, हब में क्या होता है कि भाई वो सिंपली डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस को। यहाँ पर देखा आपने कि ये क्या है, ये हब है, तो जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट है उन सबको डाटा ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन स्विच क्या है, स्विच इज मोर इंटेलिजेंट। क्या होता है इसमें, इट लर्न्स द मैक एड्रेसेस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट एंड सेंड डाटा ओनली टू द डिवाइस इट इज इंटेंडेड फॉर। यानी कि ये क्या करता है भाई, हर डिवाइस का मैक एड्रेस देखता है और उस मैक एड्रेस के आधार पर जिस डिवाइस को डाटा की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी डिवाइस को डाटा सेंड करेगा। मान लीजिए ये पीसी वन है, ये पीसी टू, पीसी थ्री, तो अगर पीसी वन को डाटा की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ इसी को डाटा सेंड करेगा, ठीक है, दूसरे पीसी जितने भी कनेक्टेड है उनको वो डाटा सेंड नहीं करेगा। तो स्विच को आप एक तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह समझ सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है भाई, जितने भी मेल आए हैं, जितने भी लेटर है, उनको क्या किया जाता है, उनके एड्रेस के आधार पर बिल्कुल प्रॉपर जगह पर जाता है। मान लीजिए जिस लेटर का जो भी एड्रेस है उस लेटर को उस प्रॉपर प्लेस पर ही भेजा जाता है। तो इसी तरह स्विच भी क्या करता है भाई, जिस डिवाइस को डाटा की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही डाटा सेंड करेगा, दूसरे डिवाइसेस को अननेसेसरी डाटा सेंड नहीं करेगा। इसके बाद बात करेंगे राउटर की। राउटर क्या होता है, राउटर का फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरह का होता है। ये क्या है, राउटर है, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि भाई ये क्या है, ये इंटरनेट है, ये बीच में क्या लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, ठीक है। अब राउटर जो है इस वाले नेटवर्क यानी कि जो लैन वन है इस नेटवर्क से भी कनेक्ट है और जो दूसरा लैन टू है उससे भी कनेक्ट है। इसके अलावा अगर लैन थ्री, लैन फोर होता तो उससे भी वो कनेक्ट किया जा सकता है। राउटर क्या करता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो राउटर क्या है, राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को, मैं डिवाइसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और इन नेटवर्क्स को डेटा पैकेट सेंड करता है। मान लीजिए इसको भी डेटा पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, इसको भी फॉरवर्ड कर रहा है, कब करता है ये डिटरमाइन करने के बाद कि भाई डेटा को सेंड करने का बेस्ट पाथ कौन सा होगा, यानी कि सबसे पहले एनालाइज करता है कि कौन सा बेस्ट पाथ है, कौन सा बढ़िया रास्ता है जिसके द्वारा अलग अलग नेटवर्क्स को डेटा सेंड किया जा सके। तो राउटर का प्रयोग जो है लोकल एरिया नेटवर्क और वास्ट इंटरनेट यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी राउटर का प्रयोग किया जा सकता है। राउटर क्या करता है, यानी कि जो सेंडर है, यानी कि ये क्या है, ये इंटरनेट है, यहाँ से डेटा पैकेट्स को क्या करता है, रिसीव करता है और रिसीवर के पास इन डेटा पैकेट्स को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ये एनालाइज करने के बाद कि भी बेस्ट पाथ कौन सा होगा। इसके बाद बात करेंगे मॉडम की। मॉडम क्या होता है, देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, बहुत बार एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा भी गया होगा। तो ये मॉडम क्या होता है, मॉडम क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में और जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। भाई क्या काम है इसका, क्यों करता है, क्योंकि जो हमारा डिवाइस होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी डिवाइस है, फोन है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो वो क्या करता है, वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है यानी कि बिट्स की फॉर्म में डाटा को समझता है, जीरो और वन की फॉर्म में। लेकिन जो इंटरनेट होता है वो किसको समझता है, एनालॉग सिग्नल को, यानी कि ये इस तरह का जो सिग्नल होता है, ठीक है, जो एनालॉग की फॉर्म में होता है उसको समझता है। तो यहाँ पर मॉडम क्या करता है कि भाई जो इंटरनेट से डाटा आ रहा है उसको आपके डिवाइस तक पहुँचाने के लिए डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और आपके डिवाइस से जो डाटा इंटरनेट के लिए जा रहा है उसको क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडम करता है। इसके बाद बात करेंगे रिपीटर की। देखिए रिपीटर क्या होता है, रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो क्या करता है, आपके सिग्नल को यानी कि
सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए यहां से सिग्नल जा रहा है, उसको यहां पर पहुंचना है, इस डिवाइस तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है, सिग्नल वायर के थ्रू या वायरलेस जा रहा है, तो बीच में क्या होगा, ये जो सिग्नल है बीच में बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाता है, अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है। तो बीच में क्या है, रिपीटर यानी कि एक बूस्टर लगाया जाता है, इसको आप सिग्नल बूस्टर कह सकते हैं, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, स्ट्रेंथन देता है, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंच जाए, यानी कि जब तक वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए वो सिग्नल क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बूस्ट करता है। देखिए रिपीटर को अगर हम एक पर्सनल एग्जांपल से समझना चाहें, तो मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर तक साइकिल चलानी है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया, तो जब पहले 2-3 किलोमीटर, पहला 1-2-3 किलोमीटर तक आप बहुत मतलब पावर के साथ साइकिल को चलाएंगे, बहुत फास्ट चलाएंगे, लेकिन जैसे ही 5-6-7-10 किलोमीटर तक जाते जाते क्या होगा, भी आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो जाएगी, उतनी फास्ट नहीं चला पाएंगे जितना आप 1-2 किलोमीटर तक चला पा रहे थे। तो बीच में आप क्या करेंगे, कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेंगे, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट कर लेंगे, तो उसी स्पीड से आप दोबारा से साइकिल चला पाएंगे। तो रिपीटर को आप इसी तरह से समझ सकते हैं। रिपीटर के बाद हम बात करेंगे फायरवॉल। देखिए ये फायरवॉल क्या होती है, इसको आप समझ सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसकी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो क्या करता है, कोई भी विजिटर आता है, पहले वो विजिटर की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, उसके बाद ही वो उस बिल्डिंग के अंदर उसको परमिशन देता है जाने की या नहीं जाने की। तो फायरवॉल को आप एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इसका बिल्कुल सिमिलर फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, पहले जांच करता है कि भी इसको अलाउ किया जाए या डिनाई किया जाए। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई यूएसए की कंपनी है, वो नहीं चाहती कि भाई जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं वो उसके सर्वर तक पहुंचे, ठीक है। तो दूसरे कंट्रीज से आने वाला जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए वो बीच में क्या यूज कर सकती है, फायरवॉल का प्रयोग कर सकती है। तो ये जो फायरवॉल है ये क्लाउड बेस हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे ब्रिज की। तो ब्रिज क्या है, ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क सेगमेंट्स को, यानी कि ये एक नेटवर्क सेगमेंट है, ये दूसरा नेटवर्क सेगमेंट है, इनको आपस में कनेक्ट करता है, ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो ब्रिज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, देखिए इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स है इनको डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है, कब करता है, व्हाइल फिल्टरिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी कि पहले उन डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है और ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करते हुए इन सेगमेंट्स को डाटा सेंड करता है। तो देखिए ब्रिज को यहाँ पर हम इस इमेज में समझ सकते हैं, ये क्या है, ये ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज क्या कर रहा है, ये क्या है, ये एक लैन वन है, मान लीजिए लैन वन है, एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है जो कि इस हब से कनेक्ट है, ये क्या है, ये लैन टू है। ये लैन वन इस वाले हब से कनेक्ट है, यानी कि इसके जो भी डिवाइसेस हैं इस हब से कनेक्टेड है, और जो दूसरा नेटवर्क है वो इस हब से कनेक्टेड है, ये 2 अलग अलग नेटवर्क्स हैं। अब मान लीजिए इस वाले नेटवर्क को लैन वन को लैन टू से कम्युनिकेट करना है, तो ब्रिज के थ्रू इनको कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बीच में क्या यूज किया जा सकता है, ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, ताकि ये जो नेटवर्क्स है लैन वन और लैन टू आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक और सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटेटिव वीडियोस यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ।